गाड़ी आ गई है अपनी स्पीड में, तो अब चलते हैं पहाड़ की ओर। इधर से जाते हैं हमारे घर को और हम चले गए गाँव को।
तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं घर और ये है अनन्या और मैं, हम बैठे हैं घर पे और सब लोग जा रखे हैं। कोई अनीतू जा रखी है घास काटने और मंजू भी आ रखी है मेरी बहन, तो ये है उसका बेटा। तो ये दोनों आते ही नानू की दुकान से ले आए स्ट्रिंग और मुझे ना इतनी उल्टी हो गई ना कि मैं अपना ब्लॉग आगे को बना ही नहीं पाई और मेरे गले में अभी भी इतना दर्द हो रहा है ना। और अनन्या तो पूरी बस में सोते सोते आ रही है, इसका अच्छा हुआ क्योंकि इसको उल्टी नहीं हुई तो ये सो गई और मुझे उल्टियाँ इतनी उल्टी हो गई कि क्या बताऊँ। तो अभी मेरे गले में भी इतना दर्द हो रहा है और अभी नीतू आएगी तो नीतू बनाएगी चाय, क्योंकि मैं नीतू के हाथ की ही चाय पीऊँगी क्योंकि नीतू सबसे अच्छी चाय बनाती है। तो इसके मंजू के हाथ के भी नहीं पीऊँगी नीतू की, जब तक नीतू नहीं आएगी तब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो वैसे आने वाली होगी नीतू और ये है अंशु। हेलो हेलो, अभी थोड़ी आएगी मामी। हेलो, कब आएगी? अभी आएगी, रात को आएगी, तो 6-7 ऐसे बज गए। और तुम कब आए? हम आए थे 29 को। अच्छा, और कैसा लग रहा है फिर यहाँ पे? मस्त, खतरनाक। अंशु, अच्छा, अनन्या की भी हो गई बातें शुरू। अंशु, वैसे तेरी ईसाई आदत, जब फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा तब तेरी छुट्टियाँ खत्म हो जाएगी है? तो अभी हम बैठते हैं, थोड़ा आराम करते क्योंकि अजीब सा हो रहा है, उल्टी करके हाथ मुंह तो धो लिया है, तो अब पानी वगैरह पीते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद और जब सब लोग आएंगे घर में तो सबसे मिलाएंगे आपको। गाइस, ये देखो, ये मेरा भाई है और वो मेरी मौसी, पता नहीं कहाँ चले गए, अक्की नानी, पता नहीं वो तो घास में गए हैं। और नीतू मामी के साथ अक्की गई है और नानी साथ, नानी अकेली गई है, उनके साथ एक लड़की है और पता नहीं मंजू मौसी कहाँ गए, चले गई और नानू तो दुकान में है। गाइस, ये है मम्मी और ये है अंशु। तो हम आ गए हैं खेत में और ये देखो मंजू यहाँ मिर्ची की गुड़ाई कर रही है, किसान। तो हम भी आ गए खेत में। मैंने कहा यहाँ पे सगोत हो रखा होगा तो मैं सगोत ले जाऊँगी, मुझे बहुत इच्छा हो रही है सब्जी खाने की, जो हरी सब्जी होती है ना गाँव में सगोत, तो उसकी। तो एक पेड़ तो ये हो रखा है और ये एक कद्दू की बेल हो रखी है और इधर चौलाई छोटा छोटा भी हुआ होगा तो मैं तोड़ूँगी और अब इस समय जाके मैं अपने लिए सब्जी बनवाऊँगी या बना खुद ही बना लूँगी मैं तो। और हरी मिर्च भी मुझे मिल गई घर में, तो अब मैं तोड़ती हूँ। तो ना गांव में आके इतना अच्छा लग रहा है, इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है ना कि स्वेटर पहनने जैसा मन कर रहा है। गाइस, एक बार बताती हूँ, गांव में मुझे रात को जल्दी नींद आती है। हाँ, और ठंडा लग रहा है तो मुझे। वो देखो अंशु वहाँ चले गए ऊपर, कहाँ है? अरे मुझे भी लगाओ कोई। वो वहाँ है अंशु, और पता हल्की हल्की हवा जैसे चल रही है ना, ठंडा ठंडा लग रहा है जैसे कि बोला स्वेटर पहन लूँ। मुझे भी ले जाओ। नहीं तो वहाँ नहीं, तो बच्चे वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं ना तो लगेगी। अनन्या कहाँ जा रही है वहाँ? तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है गाँव का, ये देखिए। तो अभी बज गए रात के 8:30 और मैं दिखा रही हूँ आपको अपने घर से ये वाली लोकेशन। देखो रात को सारी लाइटें जली है, सारे उधर गाँव हैं ये, और ये देखो ये वाली लाइट दिख रही है जो आपको, ये वाली, ये जो मेरी उंगली के सामने यहाँ लगी है आग जंगल में, पता नहीं किसने लगा दी। तो अब हम खाते हैं खाना और घर के सारे और लोगों से मिलाऊंगी मैं आपको। अभी हूँ बाहर आंगन पे, तो घर के और लोगों से मिलाऊंगी मैं आपको कल। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं सुबह मिलती हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।